शकील नाम का शख्स जो बच्ची के साथ जो नाजेबा हरकत किया था, हमने कल ही पुलिस इंस्पेक्टर से मैंने भी और असदुद्दीन वजीर साहब ने बात कर उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस ने अकॉर्डिंगली केसेस भी बुक किया, अरेस्ट भी किया। मैं जाकर अभी वो बच्ची से भी मिलकर आया हूँ और हम ये देखेंगे कि उस जो भी इसके अंदर खाती जो हरकत किया उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। मजलिस हमेशा यहाँ पर सबको लेके चली है और सबको लेके चलेगी और ये देखेंगे कि ना सिर्फ इस किस्म की, किसी भी किस्म की गलत हरकत यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर इसका कुछ पोस्ट था सर अपने पास, एमआईएम का कुछ पोस्ट है, वो एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन आ रहा है कि एमआईएम का कार्यकर्ता, कोई एमआईएम का कोई एमआईएम का पोस्ट नहीं है, उतना ही एमआईएम का वर्कर है जितना ये विक्टिम बच्ची का भाई एमआईएम का वर्कर है, उन्हें भी उतने एमआईएम का वर्कर है। कोई पोस्ट नहीं, बच्ची का भाई भी एमआईएम का वर्कर था। ये सब खाली फ़ोटोओं के लिए फ़ोटो खिंचाने वाले हैं, ये पूरी खाली फ़ोटोआँ खिंचाते जाते और कुछ भी नहीं इन लोगों का काम। अब ये क्या नाम है इसका, विजय माल्या की फ़ोटो नरेंद्र मोदी के साथ है तो क्या नरेंद्र मोदी पैसे खा गया? वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब खाली फ़ोटोआँ खिंचाने वाले हैं। ये इनके साथ फ़ोटो दिलाना, उनके साथ फ़ोटो दिलाना, ये तो कोई हमारी पार्टी का है नहीं। अगर हमारी पार्टी का होता तो भी हम ऐसी हरकत करने के ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कराते। मोटर मैकेनिक है वो, शकील इन भी पहचानता, क्या शकील इधर क्यों आए? वो बोले तो नहीं मैं इसको इश्क कर रहा हूँ, मोहब्बत है मेरे को, शादी कर लेते। क्या आप निज जात के है तो भी क्या क्या होता, मैं क्या शादी कर लेते बोल के बोले तो दोनों में इतने में झगड़ा हुआ। आजू बाजू वाले आ गए तो इन्होंने 100 डायल करे तो भाग गए। बाद में क्या हुआ, उन्होंने वो बच्ची को लेके वो कॉम्प्लेंट पुलिस स्टेशन में दिए तो 1145 को FIR इशू करा। करने के बाद वो बच्चे को हॉस्पिटल को भेजा, भरोसा सेंटर में उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, एग्जामिन करा। CP हैदराबाद के मुताबिक वो हमारे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई वो अपॉइंट करा। जो इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि वो बच्ची पहले इससे ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब काम करने के गए तो भी बीच में अटक के उसको मेरे को इश्क करना, नहीं तो ये फ़ोन पे बात करना, नहीं तो इसको ज़बरदस्ती करना। उसमें 376, 420, 448, 506 और पोक्सो केस लगाया, 4 and 5 and 6 ऑफ पोक्सो एक्ट एंड SC ST एक्ट लगाया। सब पार्टी से ताल्लुक है सर, इसका पार्टी क्या बोले तो बोल रहे हैं अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई पार्टी के ताल्लुक है नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ और इंक्वायरी करेंगे। सर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं शेख मोहिउद्दीन अब्रार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर आज़मपुरा। आज सुबह से एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि चादरघाट PS लिमिट में एक लड़की के साथ गलत हरकत हुई है। जिसने ये हरकत की है उसका नाम शकील अहमद है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूथ प्रेसिडेंट कमल नगर भी बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत बात है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की सख्त मजम्मत करती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत काम हुआ है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से ये मुतालबा करती है कि इस केस के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।